अगली खबर में बात करते हैं यातायात व्यवस्था को लेकर। शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सड़क सुरक्षा जागरूकता के आउटडोर प्रशिक्षण के तहत रेसिडेंसी स्थित यातायात पार्क में स्कूली बच्चों की पाठशाला लगी, जिसमें खिलौने के जरिए वाहन और उनकी ध्वनियों को बच्चों ने पहचाना और बड़ों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। इस दौरान पाठशाला के आरक्षक सुमन सिंह कछावा ने बच्चों को रोड सेफ्टी रूल्स सिखाए और उनकी जानकारी दी। इस दौरान सुमंत ने KG2 में पढ़ने वाले 4 साल के मिहिर मरोठिया से नियमों को लेकर सवाल पूछे, जिसके सही सही जवाब मिहिर ने दिए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल किसी खेल के माध्यम से बच्चों को कोई बात सिखाई जाए तो बच्चे उसे आसानी से समझ सकते हैं। वजह यह है कि बच्चों की रुचि हमेशा नए नए खेल खेलने के लिए अधिक होती है। ऐसे में बच्चों के लिए रोड सेफ्टी एक्टिविटी व गेम्स उन्हें यातायात के नियम सिखाने में काफी मदद कर सकते हैं। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस आउटडोर एक्टिविटी के तहत यातायात पार्क का भ्रमण करवा रही है, जहां बच्चों के साथ यातायात और सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों के बारे में बातचीत कर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। जैसे सड़क कब पार करनी चाहिए या सड़क पार करते समय उन्हें किस तरफ देखना चाहिए, बाइक चलाते समय क्या पहनना चाहिए और कार चलाते समय क्या लगाना जरूरी है। ट्रैफिक DCP महेश चंद जैन के निर्देशन में स्कूली छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस इंडोर और आउटडोर जागरूकता कैंपेन भी चला रही है। ट्रैफिक पुलिस ने नर्सरी KG1 और KG2 के बच्चों को अभियान के तहत यातायात पार्क का भ्रमण करवाया। यातायात का सबसे पहला नियम ट्रैफिक सिग्नल से शुरू होता है। बच्चों को ट्रैफिक की 3 लाइट और उनका अलग अलग अर्थ बताया गया। वाहनों की ध्वनि को पहचानने के लिए खिलौने व सड़क पर चल रहे वाहनों को दिखाकर वाहनों में अंतर व पहचान बताई गई। बस, कार, ट्रेन या अन्य वाहनों में बैठने पर अक्सर बच्चे जिद करते हैं कि उन्हें खिड़की वाली सीट चाहिए ताकि वे बाहर का नजारा देख सकें। इस दौरान वे अपना हाथ भी खिड़की से बाहर कर सकते हैं, जो बेहद खतरनाक होता है। बस के अंदर दौड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, वाहन के रुकने के बाद ही चढ़ना और उतरना चाहिए। स्कूल बस या अन्य किसी वाहन के रुकने के बाद ही बच्चे को उसमें चढ़ना या फिर उससे उतरना चाहिए। चलते वाहन में चढ़ने या उससे उतरने का प्रयास दुर्घटना का कारण बन सकता है। स्कूल बस का इस्तेमाल हमेशा लाइन में रहकर करें। इस बात का ध्यान बच्चे को वाहन में चढ़ते और उतरते दोनों ही समय रखना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स पालन करने के लिए क्या क्या समझाना चाहोगे, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए हमें? यस, जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करना चाहिए, वेरी गुड। स्टॉप, जब भी रेड लाइट हो तो हमें वाहन स्टॉप करना चाहिए, वेरी गुड। और ग्रीन लाइट हो तो हमें जाना चाहिए। और यदि बाइक चला रहे हो तो हमें क्या पहनना चाहिए, वेरी गुड। और यदि कार चला रहे हैं हम तो सीट बेल्ट पहनना चाहिए। क्या हमें गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन पर बात करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। हाँ भैया, कहाँ पहुँचे हैं? इसमें एक्सीडेंट भी हो सकता है, वेरी गुड। क्या हमें ज्यादा तेज गति से गाड़ी चलानी चाहिए? नो, बैड हैबिट। ये बैड हैबिट है।